इस कॉफ़ी शॉप में जा रहे हैं कॉफ़ी डेट के लिए। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो कल जैसे हमने दिखाया था कि हमने इडली की प्रिपरेशन सारी करके रखी थी, तो हमारा चाय वगैरह हो गया है जो हम लोग उठते बराबर पीते हैं, और अब नाश्ते की तैयारी में ये देखो इडली एकदम, अब ठंडी नहीं है ना तो एकदम अच्छे से फूल गया है, बहुत ज़्यादा पेस्ट हुआ है। और दूध मखाना ये मैं थोड़ी देर के बाद खाऊंगी। और ये सारी सब्जियां ना हम सांभर में डालने वाले हैं, बीन्स भी है और कद्दू भी है, तो वो अभी कट हो रहा है। और ये देखो सांभर में डालने के लिए इमली का जो पल्प होता है ना वो हमने भिगो दिया था, और अब उसको पूरा निचोड़ लेंगे। तो और ये कढ़ाई रखी है, इसमें हम अलग से सब्जियों फ्राई करेंगे और दाल इसमें बना ली है, और फिर ये इसमें ऐड कर देंगे। तो चलो अब हम लोग अपना कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग जो भी वेजिस दिखाया था ना मैंने आपको, अब वो सिर्फ फ्राई कर रहे हैं सादा, अभी उसमें मसाला नहीं डालेंगे, गाजर लौकी और बाद में कद्दू डालेंगे, और उसके बाद सांभर मसाला फ्राई कर देंगे बस। तो ये देखो ये हमारा सांभर, जो दाल मैंने दिखाई थी और जो सब्जियाँ दिखाई थी वो दोनों मिक्स कर दी है, और उसमें इमली का पानी और सांभर मसाला बस उतना ही डाला है, और अब ये बॉईल हो रहा है। और अब हम अपनी दूसरी चटनी, और दूसरी चटनी के लिए हम लोग भुना हुआ चना और भुना हुआ शेंगदाना लेंगे, अगर नहीं है तो आप खुद भी भून लो, और उसके बाद इसको पीस के और इस पर तड़का लगा देंगे बस, और ये बहुत टेस्टी बनती है ये चटनी। तो अब हम लोग ये शुरू करेंगे बनाना। हमने जो चटनी बोली थी ना शेंगदाना और चने की, उसको पीस लिया है, हमारे पास थोड़ा सा इमली का पानी भी बच गया था तो वो हमने ऐड कर दिया है, मिर्ची और नमक डाल के पीस लिया था बस। और अब इसको तड़का लगाएंगे, इसमें भी तड़का और सांभर में भी तड़का लगाएंगे। अब तड़के के लिए हम लोग इसमें डाल देंगे राई, थोड़ा सा सरसों, और जब सरसों चटक जाएगा ना तो उसमें सूखी मिर्ची डालेंगे, और ये कड़ी पत्ता हमारे पेड़ का। तो दिखा कर थी। पापा चश्मा ट्राई किए कोई तो। अब ये सूखी मिर्ची डाल दी, और अब इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ता हमारे पेड़ का। हमारा ये चटनी अब रेडी हो गई, और अब वापस से हम लोग दूसरा तड़का तैयार करेंगे सांभर के लिए। सेम रहेगा वो भी सूखी मिर्ची, बस इसमें हींग एक्स्ट्रा डालेंगे, और अभी ये तड़का हम लोग इसमें डाल देंगे। देखो सांभर का कलर कितना अच्छा आया है। बस अब हमारा सांभर चटनी रेडी है, और इसमें अब हम इडली भी अपना रखना चालू कर देंगे। को अब हम लोग हमारी इडली भी बना रहे, आज हमारा लंच में इडली ही रहेगा, और पानी उसमें रख दिया है इंडक्शन पे गर्म होने को, और एट अ टाइम में हमारा 14 इडली तैयार हो जाएगा। अब ये गया हमारा दूसरा स्टैंड पर इडली, और अब इसको हम लोग ढक देंगे, इसका ढक्कन है तो उससे ढक देंगे बस, और अब वेट करेंगे। इडली बनने को मम्मी ने रख दी है, और अब मैं थोड़ा बालकनी में आ गई। मुझे ना बालकनी सबसे ज़्यादा पसंद है, सुबह शाम मुझे जब थोड़ा रिलैक्स होना होता मैं इधर आ जाती हूँ। तब बस अब मैं बैठी हूँ, ठंडी ठंडी हवा खा रही हूँ, और थोड़ा आराम करूँगी, फिर जाके इडली का हाल देखेंगे। अरे मैं एक और चीज़ बताती हूँ, हमने ना पेड़ लगाया था सहजन का, सहजन मतलब ड्रम स्टिक। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो जो ड्रम स्टिक होती ना सांभर वगैरह में डालते, तो वो मुझे भी बहुत पसंद है और मम्मी को भी। तो इससे पहले जब उसमें फल आया था ना, तो हम लोग उसकी सब्जी बना के हम दोनों कटोरा भर लेके खाते रहते थे वो ड्रमस्टिक को, तो उसमें बहुत टाइम से फूल नहीं आ रहे थे। तो ना अभी फूल आया है, मैं दिखाती हूँ। मुझे पता नहीं आप लोग को ठीक से दिख पाएगा कि नहीं,
पर ये देखो जो ऊपर है ना, सबसे ऊपर टॉप पे छोटा छोटा, वो सारे फूल है। और यहाँ पर भी देखो जो छोटा छोटा है ना, वो सारे सहजन के फूल है। तो अभी फूल आ गए देखो एकदम ऊपर ऊपर, ये सब साइड में जो छोटे छोटे ना सारे फूल है। तो अब ये फूल आ गए ना, तो अब इसमें कुछ टाइम के बाद सहजन आएंगे। देखो इडली बन के पापा और ये खाने को, ये उधर बैठे और पापा इधर। मतलब मम्मी को लग रहा था ना कि ठीक से नहीं फूलेगा, बहुत टेस्टी है, तो भी अच्छे से फूल गया पापा बोल रहे हैं। मतलब अकेले भी ये बना लेंगी। आज पहले भी बना लेती, बनाती नहीं थी, काम चोरी करती थी। पापा बोल रहे बबीता पहले काम चोरी करती थी। मुझे पहले कॉन्फिडेंस नहीं था ना, कभी बनाया नहीं था। देखो पसंद आया सबको, अब मैं लेकिन खाऊंगी थोड़े देर बाद, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारा मखाना और दूध खाया है। तो अभी हम लोग सब लोग निकले हैं साथ में। मम्मी को हॉस्पिटल भी जाना है और मुझे मेरा पायल कलेक्ट करना है, अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी ले लेंगे। और अभी जस्ट हम हमारा जो भी रास्ता है, झील जो पापा हमेशा बताते हैं, वो हम दिखा चुके हैं। तो बस अब हम लोग जाएंगे, भूतनाथ भी जाएंगे और हॉस्पिटल भी जाएंगे और हजरतगंज भी जाएंगे। तो मम्मी पापा जा रहे हैं हॉस्पिटल और हम लोग अभी सीधा जाएंगे। तो वो लोग उतर गए, उतर गए, चलो बाय बाय। और अब हम लोग सीधा जाएंगे हजरतगंज और इधर मम्मी पापा हॉस्पिटल जाएंगे। इधर जाएंगे मम्मी पापा और हम इधर जाएंगे सीधा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, क्या है तुम बताओ? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है ये। और आज इधर योगी जी और मोदी जी आए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है यहाँ पे यूपी में इन्वेस्टर्स की। हाँ, तो आज उसी के लिए मोदी जी योगी जी सब यही आए। ये देखो इधर ही आए, सजावट वगैरह किया है। देखो इसलिए एकदम सजाया है, मोदी जी और योगी जी आएंगे। हाँ ये देखो इधर ही आएंगे वो आज। ये देखो इसलिए देखो पुलिस भी कितनी है, ये देखो यहाँ पे खड़ी है। देखो हर जगह मोदी जी का पोस्टर, सारे कटआउट मोदी जी के, और हर जगह पे ना ऐसे दो दो पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह खड़े हैं। देखो पूरा रोड सजाया है दोनों तरफ। हम आ गए अपना जो पार्सल लेना था पेपर वो लेने यहाँ पर मोदी जी के लिए ना। ये देखो मोदी जी के लिए, देखो सब इधर डांस चल रहा है ये देखो। और हर जगह ऐसे ना छोटे छोटे स्टेज लगे, सब अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। जब शादी होके मैं आई थी ना 13 फरवरी को लखनऊ, तो तभी भी G20 का था ना सब, तो तभी भी बहुत अच्छा सजाया था हर जगह, लाइटनिंग बहुत ज्यादा सुंदर हुई थी। हम इस कॉफी शॉप में जा रहे हैं कॉफी डेट के लिए। ये है वो जगह रोशी कॉफी, पर हमें पता नहीं है ये ओपन है कि नहीं फिलहाल, क्योंकि मोस्टली इवनिंग में होती है ना। तो नाउ वी हैव टू चेक इट कि है कि नहीं। देखो ना डेकोरेट बढ़िया किया, ये विंडो सीट पे बैठे विंडो के पास, और ये QR को स्कैन कर रहे हैं मेनू के लिए कि क्या देना है ऑर्डर में। लाइटिंग वगैरह अच्छी है, ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत कम है। ये और भी बड़ी है उस तरफ भी है, बट हम इस तरफ बैठे हैं। तो हम लोग यही एक्चुअली हमारे घर के बगल में घूमते नगर में ये कैफ़े है, रोस्टर्स कैफ, रोस्ट्री कैफ कॉफ़ी हाउस। तो हम आए हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए
बिल्कुल शिद्दत से मेन्यू को पढ़ते हुए, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही है, यूपीएससी में आएगा इसको लिख लें। और कुछ अच्छा ट्राई करेंगे, पर आप एम्बियंस देखें अच्छा, बिल्कुल हमने विंडो बाहर नहीं लिया क्योंकि थोड़ा गर्मी भी थी, पर यहाँ पे अच्छा है, खिड़की के बाहर पेड़ पौधे सब दिख रहे हैं अच्छे से, और ओवरऑल तो इसमें दिखाई भी होगा बाहर भी अंदर भी है, अच्छा कॉफ़ी हाउस है। मैं पहली बार आ रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पे, पर इट्स अ गुड कॉफ़ी हाउस। तो अब देखते हैं क्या मेन्यू लेती हैं, ऑर्डर करती हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारे पति देव की आ गई कैपेचिनो, देखो ये आ गया हमारा दूसरा ऑर्डर, गार्लिक एंड पास्ता। अब पति देव कर रहे हैं सब को, ये ट्राई कर रहे हैं कैसा है, कुछ ऐड करना है चिली फ्लेक्स? टेस्टी है, देखो पति देव को पसंद आया है, अब मैं ट्राई करती हूँ ये मेरा। तो ये इनको अब टेस्ट करके बताएंगे ये। अच्छा है ना, और ये इनका चॉकलेट बैग विद आइसक्रीम। तो अब इनको क्योंकि इनको तीखा पसंद है, तो अब ये थोड़ा सा उसमें लाल मिर्च डालेंगे, विच इज़ चिली फ्लेक्स इन इंग्लिश टर्म्स। तो आप हम अपने खाने का एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हमने सब कुछ सफा चट कर दिया, सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय बोल रहे। अब हमारा खाना पीना कॉफी के बाद अब हम लोग निकल रहे घर पे, और यहाँ से घर 10 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे ना, 10 मिनट में। हम लोग ने ना ये सब प्लान कुछ नहीं किया था, होते होते कर लिया। वो तो मोदी जी ने ट्रैफिक जाम लगा दिया। हाँ, इसलिए अगर ट्रैफिक जाम नहीं लगाते तो हम कॉर्नेटो खरीद के घर जा रहे।